हरिओम विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजा में? सरस। तो चलो अपने आज हिंदी में चैप्टर पांच यानी कि पार्ट पांच चिड़ियाघर की से जो मैंने आपको पिछले पीरियड में सिखाया था हम सीख गए थे। उसके बाद हम आज देखेंगे अभ्यास। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास में पहले प्रश्न में ऊंची आवाज में पढ़िए। प्रश्न एक क्या है? ऊंची आवाज में पढ़िए। जैसे कि उस शब्द पर भार रखकर पढ़ते हैं, जैसे रक्षक, रक्षा, पक्षी। उसके बाद दूसरा है पत्र, पत्र, नेत्र, पुत्र, घ्न, आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। चौथू है श्रम, परिश्रम, विश्राम। पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे जोड़ा अक्षर है विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि म, ख, न, क और ख जोड़ा अक्षर है, क आधा है, इसलिए म, ख, न। मक्खी, मच्छर, मगर, मच्छ जोड़ा अक्षर है। क्या है? जोड़ा अक्षर, आधा अक्षर, च आधा है और छ पूरा है, च से छ जुड़ा हुआ है। मगर, मच्छ। चिट्ठी, गठर, ट और ठ जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न तीन है, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे पहले में लिख देती आकार आखी जिंदगी सुधी बढ़तो ज रहे छे।
फरीथी एक बार समझाई दूं, जो तमे क्यारेक ध्यान थी जोशो तो तमने खबर पड़शे के नाना बाळको पोतानी पापड़ना पलकारा एक मिनिट में एक थी बे वार करे छे। ज्यारे पुख्त वयना माणसों में आ संख्या लगभग 10 जोवा मळे छे। अपना शरीर में एक समय भोजन पचावा के हजम करवामा लगभग 12 कलाक लागे छे। तो हवे आना परथी नीचे प्रश्न आप्या छे, एना जवाब लखवाना छे। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे छोटे बच्चे और वयस्कों की पलके झपकने में क्या अंतर है? तो छोटे बच्चे की पलके एक मिनट में एक या दो बार झपकता है, वयस्कों की पलकों में एक मिनट में करीबन 10 बार झपकती है। क्या आंसर आएगा? छोटे बच्चे और वयस्कों की पलके झपकने में क्या अंतर है? तो छोटे बच्चों की पलके एक मिनट में एक से दो बार झपकती है और सम वयस्कों में करीबन एक मिनट में 10 बार झपकती है। और दूसरा प्रश्न है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो एक वक्त का खाना पचाना या हजम करने में 12 घंटा लगते हैं। शरीर के ऐसे कौन से दो अंग हैं जो पूरे जीवन काल में बढ़ते ही रहते हैं? तो एक ऐसे दो अंग हैं जो पूरे जीवन काल में बढ़ते ही रहते हैं, जैसे नाक और कान। नाक और कान ऐसे दो अंग हैं जो पूरे जीवन काल में बढ़ते ही रहते हैं। उसके आगे, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं ये कछुए की चाल चलन, अब तुम बताओ। तो तेज चलने वाले को क्या कहेंगे? तो तेज चलने वाले को हवा की चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? तेज चलने वाले को हवा की चाल कहते हैं। चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? पिंजरे के पास नजदीक नहीं जाना चाहिए, शोरगुल नहीं करना चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए। ये सब हमको चिड़ियाघर में जाकर करना नहीं चाहिए। जानवरों की ओर पकड़ना, खाना नहीं फेंकना चाहिए। उसके बाद स्वाध्याय है, स्वाध्याय का प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तुम्हें मैं विद्यार्थी मित्रों सीधे उत्तर लिखूंगी, आप लोग प्रश्न लिखना। मैं यहाँ पहले प्रश्नों का उत्तर लिख रही हूँ। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे? तो गीता और दादाजी। गीता और दादाजी।
गीता ने यहाँ पे पांचवा प्रश्न है कि गीता ने किसे पत्थर बताया। तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। गीता ने किसको पत्थर बताया? तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। विद्यार्थी मित्रों, आप लोग मेरे साथ अपने नोटबुक में लिखते रहना। कछुए का रक्षक उसका आवरण है। उसके बाद सातवां है, विदेशी पक्षी का नाम क्या था? तो विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। विद्यार्थी मित्रों, जैसे मैं पूरे वाक्य में आंसर में उत्तर लिख रही हूँ, वैसे आप लोग आपकी वर्कशीट आए उसमें पूरे वाक्यों में उत्तर लिखना, वरना मैं आपके मार्क्स काट दूंगी, आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। जैसे विदेशी पक्षी का नाम क्या था, तो मैंने देखो पूरे वाक्य में जवाब लिखा है, विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। तो ऊपर की लिपि को उड़ा बड़े पक्षी का नाम क्या था? सुतुरमुर्ग क्या था? सबसे बड़े पक्षी का नाम सुतुरमुर्ग था। उसके आगे ये प्रश्न दो, उदाहरण जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। उदाहरण के तौर पर दिया है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो सामने क्या लिखा है? पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। ये लिंग परिवर्तन हुआ विद्यार्थी मित्रों, पेड़ पर बंदर लटक रहा है, तो पास में लिखा है पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। तो यहाँ पे दिया है,
पिंजरे में खाली जगह दहाड़ रही है, तो पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है, तो क्या आएगा? पिंजरे में शेरनी, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है, पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। तो यहाँ पे पुल्लिंग के स्त्रीलिंग किए, उसके बाद आगे है प्रश्न तीन। नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे चित्र दिया है विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न तीन में ये जंगल का चित्र है, क्या है जंगल का दृश्य, किसका दृश्य है? पहला प्रश्न अगर पूछा जाए कि ये दृश्य किसका है, तो यह दृश्य जंगल का है, मतलब कि ये चित्र जंगल का है। तो यहाँ पे लंबी गर्दन वाला एक पशु है, उसका नाम क्या है? जिराफ। यहाँ पे एक लंबे गर्दन वाला जिराफ है। जंगल में हरी घास दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रहा है? जंगल में हरी घास दिखाई दे रही है। हरी घास पर कौन बैठा दिखाई दे रहा है? तो हरी घास पे खरगोश दिखाई दे रहा है। हरी घास पर खरगोश बैठा है। हरी घास पर कौन बैठा है? तो खरगोश। हरी घास पर खरगोश बैठा है। यहाँ पे आकाश में पक्षी उड़ रहे दिखाई दे रहे। देखो विद्यार्थी मित्रों, आकाश में तीन पक्षी उड़ रहे हैं। कितने पक्षी? तीन। आकाश में तीन पक्षी उड़ रहे हैं। शेर पत्थर के नीचे छुपके बैठा है, कहाँ बैठा है शेर? शेर पत्थर के नीचे छुपकर बैठा है। इधर दूसरे नदी के इस किनारे, दूसरे किनारे पर एक हाथी खड़ा है। दूसरे किनारे पर कौन खड़ा है? एक हाथी खड़ा है। बीच में झरना बह रहा है, क्या बह रहा है? झरना। शेर पत्थर के नीचे झुककर बैठा है, कहाँ बैठा है? पत्थर के नीचे। हाथी झरने के किनारे खड़ा है, कहाँ खड़ा है हाथी? झरने के किनारे। आपको ऐसा पूछा जाए कि लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम क्या है, तो जिराफ। लंबी गर्दन वाले प्राणी का नाम जिराफ है। बतख क्या कर रही है? यहाँ पे बतख पानी में तैर रही है। आकाश में तीन पक्षी उड़ रहे हैं। खरगोश हरी घास पर बैठा है। ऐसे इस चित्र का वर्णन करके हम पांच वाक्य लिख सकते हैं, और इस पर से प्रश्न पूछे जाए तो उसके उत्तर भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे दिया है प्रश्न चार। चित्र के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला है खाली जगह जोर से गर्जा, खाली जगह जोर से गर्जा। मैं लिखाती हूँ आपको। जोर से गर्जा से
एक सिंह वाला खाली जगह था। चिड़ियाघर में एक सिंह वाला कौन था विद्यार्थी मित्रों? गैंडा। कौन था? गैंडा। चिड़ियाघर में एक सिंह वाला गैंडा था। तालाब में खाली जगह तैर रही थी। कौन तैर रही थी तालाब में? बतख। बतख। बतख तालाब में तैर रही थी। हरियर खाली जगह टेटे करता था। हरियर खाली जगह टेटे करता था। हरियर खाली जगह टेटे करता था। हरियर तोता। क्या है नाम? हरियर तोता। उसके बाद आगे प्रश्न पांच है। चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी में नाम ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे पहला चित्र है, यहाँ पे बीच में नाम लिखे हैं, दोनों इधर पक्षी हैं और इधर इधर पशु पक्षी हैं। यहाँ पे केला मूंगफली पाठ में जो भी चित्र हैं ये सब चित्र दिए हुए विद्यार्थी मित्रों। पहला चित्र शेर का है, उसके पास में मगर का चित्र है। पहला चित्र किसका है? शेर का। उसके पास मगर का। इधर शेर के नीचे दूसरा चित्र मूंगफली का है। किसका है? मूंगफली का। उसके पास में गोरैया का चित्र है। इधर तीसरे चित्र केले का है। किसका है? केले का। और पास में तोते का चित्र दिया है। इधर एक सिंह वाला गेंडा है। इधर मोर नाच रहा है, मोर का चित्र है। इधर भालू का चित्र है। तो इधर शुतुरमुर्ग का चित्र है। इधर लास्ट का लास्ट का अंत में मछली का चित्र दिया है और उसके पास में हाथी का चित्र दिया है। यहाँ पे शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम जैसे अम अ आई ई ई उ ऊ रु ए ए ओ औ अम अ के बाद क्या आता है, ये सब स्वर के विद्यार्थी मित्रों। स्वर किसे कहा जाता है? अ आई ई ऊ ए ए ओ औ अम अ, ये सब क्या है? स्वर है। और व्यंजन किसे कहते हैं? क ख ग घ च छ ज ज ट, जो पक्के के अक्षर हैं उसको व्यंजन कहा जाता है। कुछ यहाँ पे शब्दकोश के उनके क्रम में लिखिए, जैसे कि कंगाल, कपूर, कारावास, किलकारी, कीर्ति, उदार, ऋषि, केंद्र, कैदी, अने कैदी। तो इसमें से कोरा, कौतुक, क्या, क्रम, क्षमा। तो व्याकरण की दृष्टि से कोई यहाँ पे शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि भेदों में से किसका भेद यहाँ पे है देखते हैं। इसकी सूचना आपको इन संकेताक्षरों से मिलेगी जो यहाँ पे है। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक शब्द विद्यार्थी मित्रों? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और सर्वनाम। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग और विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण। यहाँ पे योग्यता विस्तार में भी यहाँ पे चित्र दिए विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में चित्र दिए हैं, उसके नीचे गुजराती में भी दिए। जैसे कि शेर, सीने शेर ने गुजराती में शू कहवा है? सिंह। माछली तो मछली, कातुआ तो काका कौआ, कतु एक कातुआ है जो गुजराती में शू कहवा है तेने काका कौआ। बंदर तो बांदरो, बंदर कहाँ रहता है? बंदर पेड़ पर रहता है। शेर, शेर जंगल का राजा है। ऐसे वाक्य पूछा जाए
बतख पानी में तैरती है। मोर, तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचता है। गेंडा, गेंडे की नाक पर सींग होता है। काम होता है गेंडे की नाक पर सींग होता है। कछुआ एटले के काजू, कछुआ धीरे धीरे चलता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, जेने शू कहवाय गुजराती में सांभरो। जिराफ की गर्दन लंबी होती है। मगर, तो मगर की ताकत ज्यादा होती है। हाथी, तो हाथी की सूंड लंबी होती है। भालू एटले के रींच, भालू के शरीर पर काले बाल होते हैं। तोता, तोता